गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बना रही हूँ रुद्रांश के बर्थडे का केक। तो मैंने चॉकलेट फ्लेवर के दो स्पंज बना लिए हैं। रुद्रांश को चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है, तो ये केक मैं उसके लिए चॉकलेट फ्लेवर का ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो स्पंज बनाए हैं उन्हें लेयर्स में कट कर लूँगी। तो दो स्पंज मैंने बनाए, मुझे हाइट वाला केक बनाना है, इसलिए मैंने दो स्पंज बना के तैयार किए हैं और मैं अभी ने सभी को लेयर में कट कर लूँगी। तो चार लेयर में मैं यहाँ पे एक स्पंज को डिवाइड कर रही हूँ, चार चार, यानी कि पूरा हाइट वाला केक मेरा बन के तैयार होगा। और यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है, तो ये चिल्ड है बिल्कुल, तो मुझे इसे बीट करना है। तो मैं अपने अंदाजे से ही ये क्रीम ले लूँगी। अगर मैं केक के ऑर्डर के लिए लेती हूँ तो फिर मैं उसका मेज़रमेंट करती हूँ और मैं इसे अब बीट कर लूँगी। और तो फ्रेंड्स, ध्यान रखने वाली बात है, आपको जो क्रीम है वो बिल्कुल चिल्ड लेनी है, नहीं तो आपकी जो क्रीम है वो व्हिपी नहीं हो पाएगी और वो मतलब लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। और अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है 2 बड़े चम्मच के करीब कोको पाउडर, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा फ्लेवर में चॉकलेट चाहिए। तो अब मैं इसे भी डाल के मैंने व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और फिर मैं आधी जो क्रीम है उसे निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, जिसके साथ मुझे काम करना है, सिर्फ वही क्रीम मैं बाहर रखूँगी। और यहाँ पर मैंने अब केक को असेंबल करना है, तो थोड़ी सी क्रीम मैंने केक बोर्ड पर लगा ली है। और यहाँ पर लिया है मैंने शुगर सिरप, पानी और चीनी का घोल, तो इससे मैं पूरे केक को अच्छी तरह से सोक कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, यही एक तरीका है जिससे हमारा जो केक है वो मॉइस्ट रहता है। तो ये आप जो बिल्कुल भी स्किप ना करो और अच्छी तरह से केक को सोक करें। और उसके बाद मैं लगा दूंगी यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम जो मैंने बीट की है, तो आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने मीडियम क्रीम लगाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर क्रीम पसंद नहीं है। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश, चॉको स्ट्रॉबेरी केक बना रही थी मैं आज, और उसके साथ ही मैं इसमें कुछ चॉको चिप्स ऐड कर दूंगी एक्स्ट्रा चॉकलेटी फ्लेवर के लिए। तो रुद्रांश को बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। और इसके बाद मैं केक की दूसरी लेयर भी रख दूंगी और उसी तरह से इसे शुगर सिरप से कोट करेंगे और उसके बाद क्रीम लगाएंगे। तो यही प्रोसेस हमें बाद तक रिपीट करना है। और साथ के साथ मैं साइडों को भी क्रम कोट करती चली जाऊंगी, ताकि जो हमारी क्रम है वो ऊपर वाली लेयर पे ना आए और साथ के साथ ही जो केक है वो बिल्कुल सीधा रहे, इसलिए साइड से मैं कोट करती जा रही थी क्रीम के साथ। तो ये लगभग आधे केक को मैंने असेंबल कर लिया था और मेरे चॉको चिप्स ख़त्म हो गए थे, तो मैंने जो डार्क कंपाउंड होता है उसी को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था और चॉको चिप्स की जगह मैं बीच में लेयर्स में उसी को फिल कर रही थी, ताकि केक में एक्स्ट्रा फ्लेवर जो चॉकलेट है उसका आए और जो केक है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो। और ये लास्ट वाली लेयर थी केक की जो मैंने असेंबल कर दी थी, तो इसके बाद बस मुझे क्रम कोट करना था और उसके बाद पूरे केक को अच्छी तरह से क्रीम से कवर करके फाइनल टच देना था, क्योंकि बर्थडे की और भी बहुत सी तैयारियां थी जो मुझे करनी थी। तो बस मैं जल्दी जल्दी से यही कर रही थी कि फटाफट से अपना केक कम्प्लीट कर दूँ, ताकि मैं और जो काम है बर्थडे से रिलेटेड वो कर सकूँ।
और इसके बाद मुझे केक को फाइनल टच देना था, तो मैंने क्रीम को चारों तरफ मैं फिल करती जा रही थी ताकि जो क्रम कोट और जो गैप है वो साथ के साथ मैं फिल करती चलूँ, यानी कि भरती चलूँ, जो बाद में परेशानी ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा केक कैसा बनकर तैयार हुआ है ये भी प्लीज़ बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट और जो आपके सुझाव होते हैं हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी यही जिक्र ज़्यादा करती हूँ कि प्लीज़ हमें भी आगे सपोर्ट करिए, हम आगे बढ़ें इसी तरह, क्योंकि हम भी बहुत ही मेहनत के साथ काम करते हैं जैसे और लोग काम करते हैं उसी हिसाब से। तो एक हाउसवाइफ के लिए घर के काम के साथ साथ ये सारी चीज़ें शेयर करना बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूँगी, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा पार्ट यही लगता है कि आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ूँ। और केक को फाइनल टच देने के बाद मैंने एक कोन में वो कलरफुल क्रीम भर ली थी और उसी से मैं केक को डेकोरेट कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने नीचे से ही जो केक का बॉर्डर होता है उसे बनाना, लूर नोज़ल लिया हुआ है और उससे ही मैं केक का बॉर्डर बना रही हूँ, और उसके बाद मैं उसी नोज़ल से ऊपर और इसके साइड में फ्लावर बना दूँगी। फ्लावर बनाने के बाद मैं ऊपर से भी इसी तरह के फ्लावर बना दूंगी और पूरे केक को कवर कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे कलर यूज़ किए हैं, क्योंकि रुद्रांश बहुत ही कलरफुल बच्चा है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कलर का चूज़ किया कि मैं इस तरह से रेनबो कलर इसमें लगाऊँ। तो बहुत ही सुंदर हमारा केक बन के तैयार हो गया था। तो फ्रेंड्स आपको केक कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ आपको केक कैसा लगा। तो हमारा केक बिल्कुल बनकर तैयार था, और इस तरह केक को डेकोरेट करने के बाद मैं पर्ल से जो फ्लावर है उनमें वाइट कलर के जो पर्ल है वो लगा दूंगी, जिससे कि जो हमारा केक है वो और भी देखने में अट्रैक्टिव लगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। तो फ्रेंड्स ये थी फाइनल लुक मेरे केक की, केक कैसा बना प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय बाय।